हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू द केरला सीरीज एपिसोड 4। कल के व्लॉग में आपने ये तो देख लिया था कि एलएपी के बैक वाटर्स और उनकी हाउस बोट कैसी है, बट जो आपने नहीं देखा वो है एलएपी का ब्रेथ टेकिंग सनराइज। आज के व्लॉग में आप एलएपी का ब्रेथ टेकिंग सनराइज देखोगे। एलएपी से हम जाएंगे वर्कला, जिसको इंडिया का मिनी गोवा भी कहा जाता है, और आप देखोगे हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूरी वर्कला क्लिफ पे और वर्कला क्लिफ का मोस्ट फेमस कैफे। कितना सुंदर है। दोस्तों, मैंने मम्मा को भी उठा दिया है। मैंने इसको बोला है कि वो देख बाहर, ऐसे लग रहा है जैसे एक फोटो लगी हुई है। दोस्तों इतना सुंदर है। दोस्तों फिशी प्रॉपर उठ गया है, बहुत सुंदर है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये देखो उधर, वाओ, दिस इज द व्यू, सो सो प्रिटी। पूरे 6:30 बजे उधर से सूर्य देवता निकलाएंगे और मैं वेट कर रहा हूँ। तो सुंदर लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। Fish, I think I'm watching the first sunrise with you like this, right? First of many. दोस्तों अब हम सारे एक ही रूम में, मम्मा के रूम में आ चुके हैं सनराइज देखने, और मेरे को टेंशन हो रही है ये सन बाहर क्यों नहीं आ रहा आज। वैसे तो इतनी जल्दी आ जाता है यार, बाहर आ ही नहीं रहा, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। ओह यस, इतनी लेट कैसे हो सकती है? आई थिंक देयर इज क्लाउड्स ओवर देयर। क्लाउड्स नहीं, क्लाउड्स नहीं, नीचे फॉगी फॉगी है नीचे। वो देखो ध्यान से, वो देखो हो रहा है। वो एक लाइन सी पड़ी है, उधर बादल थे और मेरा सन की टिक्की मिस हो गई। मेरी सन की टिक्की आई थिंक वो आएगा बिल्कुल ही, वो तो पुराने जमाने में जैसे होता है। डिसअपॉइंट नहीं करेगा, देखो इतनी वो कर रही है ना। प्लीज सूर्य देवता, मुझे दिखा दो अपनी ऑरेंज टिक्की। हो गया, मुझे दिखा। ओ नो, धीरे धीरे धीरे। ओ यस, ओ हो रहा है मतलब। दोस्तों इतना ब्यूटीफुल रेड टिक्की जो मैं देखना चाहती थी सूर्य देवता की, मुझे दिख गई। तारे लगी हैं, उससे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि नीचे की तो दो तारे अच्छे फटाफट फटाफट ऊपर आ रहे हैं। देख पट्टन बैठी है। दोस्तों ब्रेकफास्ट की हो रही है तैयारी। मामा जी एक्साइटेड टू हैव ब्रेकफास्ट। यस, सांबर कोकोनट चटनी। आई थिंक वी विल बी गेटिंग इडली। सांबर क्या था क्या, मेरा पेट जो है मम्मा रे वहां पे कार्तिक पे बहुत देर तक नहीं जाना। मम्मा किशुदी के लिए व्लॉग बना रहे हैं। हाउ क्यूट, अरे वाह, ब्रेड एंड ऑमलेट, इसका ऑमलेट। मैं तुझे बताऊँ ये पूरा इतना अलग टेस्ट आएगा ना, ऐसी ब्रेड मुचु मुचु सी। हाँ 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 हाँ, वो हॉट केस वाली सौगी सौगी सी वाली जैसी वो होते हैं ना, बड़ी बड़ी अच्छी लगती है। हाउज इट, वेरी यम्मी वेरी यम्मी। सूरज मतलब नहीं हुआ, सूर्य वो करने हैं, सूर्य देवता जी पूरे तेज हवे उजाला हुआ है, उजाला। हेलो गाइस, गाइस ये है मॉर्निंग ग्लो। यहाँ पे जितनी भी ये सर्विंग स्पून होते हैं, करछी होती है, इतनी छोटू है कि इतना तो जितना हमारी पंजाब की करछी में बच जाता है ना, उतने में ये भर जाए। सही में। तो हम ब्रेकफास्ट खा ही रहे थे, हमारे कैप्टन ने बोट चला दी है। वी आर गोइंग बैक फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। क्या करेंगे ये अंडे का, किसी ने नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, चांसु खाएगा, रास्ते में खा सकते हैं, 3 घंटे के टाइम है, पैक कर लो कितनी मोटी। किसी को पता नहीं चलेगा। सो ग्लैड कि हमने फुल एसी करवाया, बिकॉज उसके कारण क्या हुआ है, हमारी बोट में बिल्कुल मच्छर नहीं आए, बिल्कुल भी, मजेदार। गाय जैसे अंदर 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 सारे जा रहे हैं, अमेजिंग एक्सपीरियंस यार। एंड बाय द वे जो ये बैक वाटर्स की डेप्थ है वो 25 फीट है, which is not a lot, और साइडों पे कह रहे हैं 7 feet है वो जो कोनों कोनों में।
मैंने अपने कैप्टन से पूछा, एक टाइम पे सारा सूखा हुआ करता था, बहुत पहले की बात है, एंड उसके बाद जैसे जैसे पानी आया तो यहाँ पे बैक वाटर्स बन गया। बोट लग चुकी है किनारे पे, किनारा, और वक्त आ गया यहाँ से जाने का। फियांशु मम्मा कैसा रहा एक्सपीरियंस? मजा लेने का एक्सपीरियंस वाज ऑसम, लाइक बहुत 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 मजेदार, पूरा मजा किया। सच्ची वहाँ पे डल लेक इतनी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, और वहाँ पे थोड़ा स्टिल, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, वेव्स बहुत अच्छी है। आई एम ग्लैड। किशी बाय बाय कर दो, बाय बाय, लेट्स गो। चलो, थैंक यू मम्मा, हैव यू कैलकुलेटेड ऑल द बैग्स? दोस्तों निकल पड़े हैं अपनी थर्ड डेस्टिनेशन के लिए। ऑल माय लेडीज हैप्पी? यस। थर्ड डेस्टिनेशन का नाम है वर्कला गाइस। अगर आप नए हो चैनल पे तो जाके मुनार के जो दो दिन हमने स्पेंड किए वो देखना, और कल का व्लॉग जरूर चेकआउट करना, जो हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था केरला की एलपी की हाउस बोट में। आज का एक्सपीरियंस होने वाला है वर्कला में रिजॉर्ट, वहां जाके दिखाते हैं। तो इतना बड़ा कोकोनट बड़ा है मैंने कभी नहीं देखा, और पानी बहुत ही ज्यादा यम्मी है। कट करा ऊपर से ऐसे, सही में गाइस मैंने इनसे रिडल पूछी है, होता है ऐसे उल्लू और उसके काम वही उसके निकलते हैं दिन में उसके नॉर्मल। इनसे मैं रिडल्स पूछ रहा हूँ, वैसे मेरी कुकु इतनी पिचकी भी लगती है दोनों के बीच में। एक बार हमारे मम्मा से चमगादड़ ऐसे उल्टा लटकता है उसके, मतलब वो लटकता उल्टा, मतलब बहुत फास्ट पहुंच गया आपको, उल्टा लटकता तो उसके पर जो है सर के नीचे आ जाता है पैर। इरन हमारे व्यूअर्स को बताओ मैंने क्या रिडल, कौन सी रिडल पूछी है? हमेशा नहीं उसी, कौन सी चिड़िया के सर पर पैर है? हार की। क्या? हार की। चलो इसी का रिमिक्स बनेगा, मैं हार की, मैं हार की। रेड के ले, कोई नहीं रेड के ले, मतलब नहीं क्या हो गया रिडल। आंसर है सारी चिड़ियों के, सारी चिड़ियों के सर पर पैर, सर पर पैर, सर भी है, सर पर भी है, पर भी है, पैर भी है, सर पर पैर। आप बल्ब जल के। So guys, this is Kolam Beach, very pretty. और ये आ रहा है हमारे वर्कला के रास्ते में। On a serious note, ऐसा लग रहा है किसी foreign location पे आए हुए हैं। ये लग ही नहीं रहा इंडिया किसी एंगल पे यार। बहुत ही सुंदर। पाम ट्रीज कितने बढ़िया लग रहे हैं यार। हम बेसिकली यहाँ से जा रहे हैं, ये ऐसे करके हम यहाँ कनेक्ट होंगे। गूगल पूरा ऐसे ही हाईवे वगैरह से लेके जा रहा था, बिल्कुल सी शोर के साथ से लेके जा रहे हैं। बनाना के कलर देखो, येलो जो नॉर्मल है, ग्रीन है, फिर रेड टाइप है, वो वाला ट्राई करें, एंड ऊपर से वो एक पता नहीं पेल है, वो तो वो रेड वाली लग रहा है बाबू, जो थोड़ा सा वो हो गया फेड। ये देखो गाइस, ये ऐसे खा रहे जैसे आइसक्रीम खा रहे हो। On the way to our resort. Tell me what you wanna do. I'll do anything. As long as I can be here with you. Everything's alright. Number 13. Cool. Oh, so cute. सबसे फन बात इसकी लगी है सिर्फ तुझसे करके दिखाया था। अरे बस तू लेट जा, अपने आप हो जाएगा ये। अच्छा हाँ, अब इसको ऐसे कर। स्विमिंग पूल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसमें खारा पानी नहीं है। अशोक वेरी नाइस, गुड, हैप्पी, यस, स्टे थ्री सक्सेस। गाइस जब आप सब प्लान करते हो तो आपका दिमाग में होता है एक स्टे हो गया चलो ठीक है, अगला स्टे हो गया चलो ठीक है, अब तीसरा स्टे है यू ठीक है। बाय द वे जब हमने बोला ना कि आई एम चेकिंग इन ऐसे करके, सो आई एम स्टेइंग विद माय मदर इन लॉ एंड माय मदर एंड माय वाइफ, कहते सर बट देयर इज नो डिवाइडर बिटवीन द बेड्स। हां एक्चुअली नो डिवाइडर,
तो मैंने सोचा मैं कहूं ना आई स्टे इन कनाडा सो वी आर हियर विद आवर फैमिली एंड वी वांट टू स्पेंड टाइम विद आवर पेरेंट्स ओनली सो वी वांट नो डिवाइडर वी वांट फैमिली टाइम नॉट हस्बैंड वाइफ कहता ओके सर कह रहे इतनी पटाखा बीवी कह रहे नो डिवाइडर सर नो डिवाइडर एक छोटा सा टी एरिया है ठीक है ये छोटा सा फ्रिज मिनी फ्रिज ये एक सोफा टेबल तो देख ही रहे हो छोटा सा टीवी पीशी डांस करके दिखाना दोस्तों इतना एनर्जेटिक था ये लड़का बड़ी देर बाद डांस करके दिखा पीशी इतनी देर बाद तेरे को खुश होता हुआ वरना बेचारे को टेंशन लग रहती है काम की आज नहीं हुआ चल स्वामी हैव इटली इन केरला स्वामी कैन आई ईट एज वेल ओके तुम भी खाओ मॉम्स सिटिंग इन देयर ओन बेड्स वन इज ओके वन इज बैटरी डाउन दैट इज माय मॉम योर मॉम एक्टिंग ओके अंदर से शी लाइक या वेरी ट्रू Rest Yesterday, my mom was battery down. We were like, what happened? Give me pull. Okay. Anna? No, Anna. Swami. Half you have. Because your face got smaller. Half I want. Chilo, dosto. Kahan ja rahe hai, madam? We are going to check the temperature of the pool. Guys, pool ka paani check karne ja rahe hai. Ki... ज्यादा गर्म तो नहीं है क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है और मजा आएगा वो बॉल भी है कुकू विल प्ले वो ठंडा है मजेदार जा बड़ा रिफ्रेशिंग सा है गाइस ये व्यू है ये रिजॉर्ट है अपना हमारा रूम कौन सा है यहाँ से पता लग रहा है ओ वो रे मिस्टर गिल हाँ देख ली पकड़ भी ली तेरी मम्मी की फ्लाइंग किस और बाय द वे उन्होंने यहाँ पे एक फ्रेम सा बनाया हुआ है वो जब सनसेट होएगा तो यहाँ पे एक ऐसा फ्रेम है पीछे सन आता है तो इन्होंने फ्रेम भी इसलिए बनाया सारा दोस्तों रिसेप्शन पे सब कुछ समझ लिया मैंने उसके हिसाब से आगे आप भी सुनना और आपको आगे का प्लान बताता हूँ गर्ल्स सारा प्लान सुन लिया है आई वांट योर अटेंशन गर्ल्स गाइस माय गर्ल्स आर डेड प्लान ऐसा है कि यहाँ पे 4 किलोमीटर दूर बहुत ही प्यारी जगह है जिसका नाम है वर्कला क्लिफ विच इज कॉल्ड यहाँ का मिनी गोवा और नाइट लाइफ पार्टी एंड थिंग्स लाइक दैट तो आज हम करेंगे पार्टी तो वहाँ पे अपना पूरा तैयार शहर होके जाएंगे अब गीले नहीं होंगे गिरत ठीक है गीले फिर वो तो गीले अभी हो जाते हैं हाँ ठीक है तो गीले होने के लिए मैं और गीले जाकर पूल जा रहे हैं एकदम सामने जा रहे बस और बहुत वो कहता अभी तो वहाँ जाने का फायदा कितने धूप इतनी कौन गीले होगा अभी हम भाई जो से नहीं है। दोस्तों मैं सनस्क्रीन लगा रही थी क्योंकि 2 दिन से मैंने नहीं लगाई थी और मेरे मुंह का हाल देखो क्या हो गया लाल हो गया टमाटर जैसा मैं नाउ वी आर गोइंग टू द पूल और द बीच बिकॉज बहुत दोनों भी पास पास में हैं ओह माय गॉड पता नहीं क्या पागल हम हो गए इतनी गर्मी में कोई दूर दूर भी नहीं दिख रहा चलो फिशी कहता मजा पूल में आया वेलकम बैक है चल हाँ वेलकम बैक हियर हाँ गुड बहुत ज्यादा धूप है बहुत ज्यादा हाँ मेरे को लग मैं इसीलिए वो लेकर आई हूँ ना तू भी अपना चश्मा पहन के रखियो वाओ गाइस रिजॉर्ट के हमारे सामने ही है देखो धूप है तो बट इसकी फीलिंग ही अलग है फिशी We have cancelled to go to the beach because बहुत ज़्यादा धूप है। Guys, life में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये रहा beach और हम फिर भी वापस जा रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल चल के हमने उधर ही जाना था। But gate खुलवा लिया अपना। But बहुत ज़्यादा धूप है। सुबह आएंगे हम। सुबह नहीं है, 5 बजे के बस अच्छा है। ठीक है। वही अच्छा है। वो भी रिकमेंड कर रहे हैं सुबह आना वो तो खुद हैरान थे कहते सोच लो आपका नाम क्या है शाहजी 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 भाई खुद बता रहे थे कहते सोच लो आर यू श्योर दैट यू वुड गो वाटरमेलन जूस ही चाहिए ऐसी धूप में और ऐसे पूल में ये पिताजी को भेजेंगे गाइस हम कमरे में आ गए पार्टी करके क्या अमेजिंग पार्टी रही अगर आपको ऐसा लग रहा है तो गलत है क्योंकि हमारी कैब ही खराब हुई हम वी आर वेटिंग फॉर द कैब कैब आ गई है अब हम जा रहे हैं और इन्हीं को हम अपने साथ 3 आवर्स के लिए वहाँ पे वेटिंग करेंगे एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल आई एम गोना पुट द नंबर हियर सो दैट अगर आप बाई चांस केरला या वर्कला कैब चाहिए होती है सो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट देम
पहुंच गए हैं वर्कला बीच दोस्तों, एक्साइटेड है फाइनली, गाड़ी गुड़ी दूसरी मिल गई हमें। अब यही सबसे हैपनिंग बीच है केरला का, वर्कला का, सॉरी केरला का नहीं। सो लेट्स सी कैसा है। गाइस पूरी गोवा वाइब्स आ रही है, मतलब सच में एक्साइटेड हो रहा हूँ, मेरे मुंह पे एक स्माइल आ गई यहाँ पे आते हुए। गाइस इतनी बड़ी बड़ी फिश देखे, वेजिटेरियन लोगों के तोते उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हो? हे भगवान, शॉपिंग, मम्मा और कीरा शॉपिंग देख रहे हैं और म्यूजिकल आगे चल रहे हैं। हमने मैक्लोडगंज में देखा था, सी कितने का है? तो दीदी आपने तो 2500 का लिया था, यहाँ पे 12000 का मिल रहा है। 12000 यहाँ पे तो दोस्तों हैप्पी ड्रम भी मिल रहा है सेम। क्या बात। तो वर्कला बीच पे आपको ये सारी ऐसे मार्केट दिखेगी। एंड गाइस रेट वगैरह थोड़े से मतलब कि रखे हुए हैं बढ़िया। आई वांट टू सपोर्ट मेड इन इंडिया बट दिस इज अ लिटिल एक्सपेंसिव मेड इन इंडिया। ये दिस इज लुकिंग क्यूट। हाँ होटल बिल्कुल क्लिप पर है दोस्तों, होटल ग्रीन पैलेस। अगर आप आए एंड क्लिप में रहना चाहते हैं, दिस सीम्स अ नाइस होटल। इनसे पूछ लो। ओह ये तो बंदी हो गया, कितने क्यूट लग रहे हैं हैरम्स। Is it cotton? No. It's a kind of cotton, no? Okay. अरे सब्सक्राइबर्स ने और मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने ये वाला रेस्टोरेंट रिकमेंड किया था। We should definitely go. Let's go, guys. If you're giving me your love, Guys, mama अपनी डिजाइनिंग के लिए next level dyes देख रहे हैं। She's gonna मेक द नेक्स्ट सूट लाइक दिस। ये होता है डिजाइनर, जहाँ मौका मिले वहाँ पे शुरू। कीरत और मिसिकल को मैंने आगे भेजा, मैंने उनको कहा कि आगे एक कैफे दार्जिलिंग है वो चेकआउट कर लो, फिर अगर वो अच्छा नहीं लगा फिर हम कैफे इटालियन खा लेंगे। दोस्तों इधर वाइब अच्छी लग रही है, आई थिंक वी शुड गो हियर। ये म्यूजिक वगैरह चल रहा है। ओह कितनी बड़ी फिश वो देखो। क्या देख लिया मम्मा, तो फटाफट चढ़ लिए। दार्जिलिंग कैफे के ऊपर जाना पड़ता है गाइस। गाने चल रहे धुचुक धुचुक धुचुक। मम्मा कह रहे हैं कि पत्थर मार रही है वेव्स। शी इज हैप्पी। ये व्यू है दोस्तों। हम वेट कर रहे हैं कोई सर्विस के लिए आ जाए, क्योंकि हमने मैंने तो दो बार कह दिया कि भाई कुछ पूछ लो, को टेबल दिखा दो, कहता जहां आपका दिल करता है वहां बैठ दो, और हम बैठे हुए अभी तक कोई आया नहीं है। गाइस मैंने कहा कोई बड़ी जगह दिखा दूं, कैफे दार्जिलिंग की बड़ी तारीफ सुनी थी। मोर लाइक अ बॉयज हॉस्टल एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आई डोंट वांट टू जज टू क्विकली, बट मेरे को स्टाफ का बिहेवियर भी थोड़ा ऐसे सही लगा। चीयर्स दोस्तों, फुल और एंजॉय हो रहा है इधर देखो। गाइस एक्चुअली क्या दारू तो जल्दी आगे खा रहा है। सालों के इंतजार के बाद पहली आइटम आई है गाइस, पीनट मसाला। हमारी ड्रिंक्स खत्म होने पे आ गई है। मम्मियों का मतलब जुलूस नहीं करवाना यहाँ। इसमें जुलूस क्या है, हम वहाँ से खेल रहे हैं। जितनी की पेशेंस है, हम एनर्जी उतनी से खेल रहे हैं। यहाँ पे वाइब थोड़ी कम थी, बट वी आर क्रिएटिंग द वाइब। गाइस इतनी गंदी सर्विस है ना, हम खुद ही बाहर में ऐसे जाके लेके आ रहे हैं। इट्स ओके दोस्तों, फाइनली हमारा खाना आ गया। हमारे स्टार्टर्स अभी पनीर टिक्का एंड वेज वेजिटेबल्स, क्या था ये, वेज तंदूरी वेजिटेबल्स, तंदूरी वेजिटेबल्स। क्योंकि मेरी सास अ लिटिल हैप्पी जोन मिस्टर गिल, क्या आपको लगता नहीं है कि अगर हम यहाँ से तैरना शुरू करेंगे तो दो दिन में सुखना लेक तो पहुँच ही जाएंगे। Heading back now. Darjeeling Cafe not at all recommended, but thanks to alcohol,
मूड फिर भी अच्छा है। दोस्तों हम गुड बेबीज बन चुके हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज हो चुके हैं, इसलिए हम गौरव ने अपना जैसा बना दिया हमें। 12 बजे ही हमें नींद आ चुकी है। पते तुम इस बैम्बू ट्री से, इस बैम्बू की ये से डर गई हो और तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया। सिंगल बंदा ही जा सकता था। सिंगल नहीं, हम डबल भी जा सकते थे। फियांशी आई वॉन्ट टू वॉकी वॉकी ऑन द बीच। फियांशी नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं बेटा? ना 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 ना, इसी एंगल में। क्यों नहीं? कॉटन कैंडी। डिनर की कमी पूरी हो गई। ये जगह तो बिल्कुल ही डेड हो गई है। 12:15 पे हो गई हमारी डेढ़ घंटे की पार्टी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। टोटली राइट, यस वेरी क्यूट। आई वुड से यू आर वेरी क्यूट। दोनों मामा इधर देखो, कैसा लगा आपको वर्कला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा? अगर आप हमें बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको तो पता ही हमारी कुकुर टाइपो क्वीन है। तू पकड़ अपनी बीवी नून, बस किरण बस बेटा किरण का थप्पड़ मारूंगा। ओनली सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। आई एम जस्ट डूइंग हिज जॉब। ओह ओके, मार्केटिंग करेक्ट। Do you understand Hindi? Yeah. Oh, perfect. Okay, that's my channel. That's yeah. me. Yeah, you look beautiful. Thank you. Mama, do hold. Mama, couple. They will watch your vlog. Say hi. Hi. Thank you. Could you please help us to take a photo? Oh, yeah. How do I do? Front camera. Oh, right. Babu, they don't want a selfie with you. No. Oh, your. They want yeah. their photo. I'm so sorry. Guys, आदत से मजबूर लोग कुकुस आके सेल्फी लेते हैं। No worries. 1, 2, 3. You guys are looking good together. Okay. चलो. Perfect. Okay, next you want a selfie with me. Oh. See, they want a selfie. That's a pity selfie. Let's take a selfie. Bye bye, Workala Beach. Amazing. Enjoy the vibe. Thank you. दोस्तों छोटी छोटी गलियों से वापस जा रहे हैं हम अपने अशोकम रिजॉर्ट। मीट बीनू, ही वॉज वेरी स्वीट, ही टुक अस टू वर्कला क्लिफ्स। दिस इज बीनूज नंबर, इफ यू आर देयर इन केरला and if you need any cab just contact him. Thank you Binu, good night. इतने प्यारे ये थे ना बीनू, मतलब super sweet यार, super sweet. मैं पैदल ऊपर आया हूँ तो मैं ऊपर पहुँच गया, ये लोग लिफ्ट से आ रहा हूँ. पहुँच भी गए. Why should boys have all the fun ना, ये है वो. Why should girls have all the fun? दोस्तों फिशी पानी भर रहा है, रिसेप्शन पे कोई नहीं है, हमें और कहीं वाटर कूलर नहीं मिला. बस फियांशु और कितनी भरेगा, यहीं पे काम करना है क्या तूने? थोड़ी देर के लिए रूम के बाहर आई हूँ, पसीनों पसीन हो गए हैं। सो दोस्तों हम पहुंच गए हैं होटल में। आज कुकू ने बहुत सारे स्ट्रेंजर से बात की, वार्तालाप करी कुकू ने आज, वार्तालाप करी सिर्फ एक ही ख्वाहिश से कि क्या पता वो स्ट्रेंजर से व्यूअर्स बन जाए और व्यूअर्स से सब्सक्राइबर्स बन जाए जैसे आप लोगों।
तो अगर आप लोग भी व्यूअर्स से सब्सक्राइबर नहीं बने तो गाइस कुकू की मेहनत के लिए और मेरी मेहनत के लिए आप सब्सक्राइब बटन ठोक दो और बेल आइकन को ऑन कर लो। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो क्या करना है, तो आप हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, थोड़ा कमेंट कर सकते हैं हमारी मोटिवेशन के लिए। जब आप शेयर करोगे और कमेंट करोगे तो YouTube को लगेगा कि यार ये वीडियो अच्छी है, तो वो और लोगों को दिखाएगा। yes. फुफु कुकू की फैमिली और बड़ी होगी, मतलब हमारी फैमिली बड़ी होगी, मतलब आपकी फैमिली बड़ी होगी। फुफु कुकू का मतलब है मी कुकू, ही फुफु, फुफु कुकू। चलो गाइस कल मिलते हैं, बाय बाय। कल हम निकलने वाले हैं अपने लास्ट स्टॉप के लिए केरला का, सेकेंड लास्ट स्टॉप टेक्निकली, और उसका नाम है पुवार। यस, इतनी जल्दी ये ट्रिप, मतलब कि ऐसे ऐसे निकल रहा है दोस्तों, एंड आई एम लविंग इट। देखो पहली बार जब आते हो तो बहुत कुछ मिस हो ही जाता है, बट यू गेट द फील ऑफ द सिटी, यू गेट द फील ऑफ द यू नो प्लेस, सो वहां से पता चलता है भाई दोबारा आएंगे या नहीं। यस, एंड थैंक यू कहना चाहूंगा केरला के लोगों को जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया आज। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। एंड जिन्होंने भी हमें इंस्टाग्राम पे इतनी सारी सजेशंस दी थी, ऑब्वियसली हम सारी जगह तो जा नहीं सकते, टाइम लिमिटेड होता है, कुछ ही कुछ चीजें कवर कर सकते हैं हम, सो बट थैंक यू सो मच, आपने फीडबैक दिया, आपने हमें मैसेजेस करे, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू गाइस, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट। The few